दोस्तों, सेंट्स ऑल द टाइम से मैं हूँ कोमल और आज हम पहुँचे हैं जी लैंडमार्क स्पेशली हवेली के पास। लैंडमार्क क्या है वो एक सस्पेंस है आपके लिए, धीरे धीरे प्रॉपर बताएंगे वो क्या है क्योंकि सस्पेंस होना बहुत ही कंपलसरी है। एक खास ऐसी स्टोरी है आपके रूबरू सेंट्स ऑल द टाइम्स में। आइए करते हैं बात, एक ऐसा पर्सन अपनी पूरी फैमिली को लेकर के यूके से बाय रोड आए हैं जलंधर इंडिया, तो आइए करते हैं उनसे बात। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। Thank you. Thank What's you. your name? My name is Sunny and I'm from the UK. Okay. First of all, welcome. So, बहुत बहुत स्वागत आपका Saint Soldier Times में। आप अपने बारे में बताइए। I basically love to chase adventures. Very nice. I like the thrill of being on the road and just curious. I'm a very curious guy, I guess. Yeah. And what's your name? Komal Shah. The experience has been really amazing. Yes, my husband's very curious and he's got me into it as well, so I have the bug now. Yeah, I love being on the road. Very nice. Okay, sir, आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या आपके मन में आज वो आपने स्पेशली यूके से इंडिया का प्लान बना लिया बाय रोड? Basically, मैं तो इंडियन ओरिजिन का हूँ. हमारा फैमिली सब इंडियन है, गुजरात से है. So always in my mind, पहले से ही था कि मेरे को इंडिया जाने का है और वो भी रोड से. कभी ऐसे नहीं सोचा था कि क्या आएगा, कैसे होएगा, ऐसे कुछ तो कभी नहीं सोचा था. पन अराउंड 20-25 years ago, I did think I want to go to India by road. And फिर हमने ये गाड़ी लिया और हम थोड़ा सा यूके से ज़्यादा वेंचर करने लगे जी. और तभी हमको लगा कि हम ये कर पाएंगे, जैसे मेरा वाइफ ने बोला कि हम करेंगे जी. और हम कर पाएंगे, तो हमने ट्राई किया और आज हम इधर पहुंच गए इंडिया रोड से. अगर बात करूँ गाड़ी को लेकर के, कौन सी गाड़ी में आप इंडिया पहुंचे हो? हम आए जीप रैंगलर रूबिकॉन में, 2021 मॉडल. वो गाड़ी हमने लिया था यूके से एंड थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं किया, पर जो हमको लगा थोड़ा सा करने चाहिए रोड के लिए वो हमने किया और बेस्ट एक्सपीरियंस सो फार. जिंदगी का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है आपका और बहुत बड़ा रिस्क भी है, इतनी दूर से आप आए हो, क्या क्या कैरी किया? व्हीकल के लिए हमने मेनली तो सिर्फ ऑयल और सब फिल्टर्स कैरी किया हुआ था और हम बहुत ज़्यादा ऑफ रोड कर रहे थे, इसलिए हमको लगा कि बहुत डस्टी इन्वायरमेंट सब कुछ है, इसलिए हमने वो सब रखा हुआ था. पर हमारा फिल्टर्स ईरान तक पहुँचे और सब कुछ फिनिश्ड हो गया. और कैंपिंग के लिए हमने सिर्फ छोटा सा टेंट रखा हुआ था, कभी चाहे किधर हम रुके हुए हैं, चेयर्स, कुकिंग का सब सामान, खाना का सब सामान, या एयर कंप्रेसर्स वी कैप्ट एंड फूड, मेनली फूड या और ज़्यादा हमने नहीं रखा. हमको गाड़ी लाइट रखने का था, ओवरवेट ऐसे कुछ नहीं करने का था. और मेरा तो बेसिक कपड़े और ये लोग का ज़्यादा कपड़े. ऐसे है ना कि देखो गाड़ी में हमारे कोई ना कोई रिस्क रहता है कि रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, पेट्रोल ख़त्म हो जाए, तो फिर कैसे मैनेज किया? नॉट ऑलवेज हमको इतना इजीली नहीं मिला फ्यूल, पर हमको एक्चुअली सिर्फ एक जगह में ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था फ्यूल के लिए, वो ईरान में था. हम ईरान का एक जगह है बलूचिस्तान करके, और वहाँ सब लोग को फ्यूल कार्ड मिलता है, लोकल्स को. एक्चुअली हमारे पास गाइड था ईरान में, उसको पता नहीं था कि टूरिस्ट के लिए ईरान फ्री फ्यूल देता है. तो हम सब लोग को पूछ रहे थे कि हमको फ्यूल चाहिए और कोई दे नहीं रहा था हमको फ्यूल, और किसी को पता भी नहीं था कि टूरिस्ट के लिए फ्री फ्यूल है. तो हमको मेन प्रॉब्लम तो वहाँ हुआ, पेट्रोल स्टेशन को ब्राइब करना पड़ा फ्यूल के लिए. हमने वहाँ 4 times प्राइस भरा, पर फिर भी आप जब भी देखते हो 4 times प्राइस, वो सिर्फ ही अराउंड 40 rupees पर लीटर ही होता है. एंड उसने हमको 20 liters दिया, फिर हम दूसरा फ्यूल स्टेशन पे गए, वो लोग ने हमको 20 liters दिया, ऐसे हमने हमारा टैंक फुल किया और वापस
रेस्ट ऑफ द जर्नी शुरू किया। कौन कौन सी कंट्री से आप होते हुए इंडिया पहुंचे और कितने दिनों का सफ़र आपने तय करा? हमने हमारा ट्रिप स्टार्ट किया बिगिनिंग अगस्त में, यूके से फ्रांस गए, फ्रांस से स्विट्जरलैंड, इटली, इटली से एक जगह है वहाँ एनकोना करके, वहाँ से हमने फेरी लिया। हम पहले बाई रोड आने वाले थे, पर फिर हमने हमको ज़्यादा वापस सर्विस करना पड़ता था गाड़ी, और ज़्यादा टाइम जाता था, और हमारे पास इतना टाइम नहीं था बिकॉज वी वांटेड टू गो टू पाकिस्तान का कश्मीर में, और वहाँ स्नो पड़ने वाला था। मैं अपडेट ले रहा था कितना ऑलरेडी स्नो पड़ा हुआ है, तो हमको लगा हम शिप आई मीन फेरी में नहीं जाएंगे तो हमारा और 2 वीक जाएगा, और उसमें हमको फिर हमारे कश्मीर कैंसिल हो जाएगा। इसलिए हमने एंकोवा से फेरी लेके हम ग्रीस गए। ग्रीस के बाद हम ग्रीस घूम के हम गए टर्की, टर्की से गए हम जॉर्जिया, जॉर्जिया टू आर्मेनिया, आर्मेनिया टू ईरान, ईरान से पाकिस्तान, पाकिस्तान इंडिया। रास्ते में कहीं आपने शिप भी यूज़ करके कंटिन्यू लगातार ऐसे चलते रहे? हमने वो ये एक बार जो जब ही शिप लिया था इटली से ग्रीस तक, वो ये एक शिप लिया हमने, उसके बाद पूरा रोड ही है जी। उसके बाद हमको शिप चाहिए था फिर भी नहीं मिलता था। ओके, हाँ। तो कितना पेट्रोल लगा? गुड क्वेश्चन। हमने थोड़ा सा लिखा है फ्यूल का, पर फिर हमने बंद कर दिया लिखने का, बहुत ज़्यादा प्राइस हो रहा था, इसलिए हम फिर वो देख हमको देखने के नहीं था कि हम अभी कितना स्पेंड किया हुआ है फ्यूल में, पर मे बी अबाउट 4 लाख रुपीज ऑन फ्यूल सो फार, या अराउंड मे बी, पर एक्चुअली पता नहीं है मेरे को। कोई बात नहीं, लेकिन आप यहाँ तक आए यही बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी मिसाल है पंजाबियों के लिए। कितना समय आप रास्ते में कहाँ कहाँ रहे और कौन सा सबसे बढ़िया प्लेस था, और कितना टाइम आपने नींद कंप्लीट करी? क्योंकि कहते हैं ना लगातार सफ़र करते हैं तो बहुत मुश्किल रहता है आंखों के लिए भी, बॉडी के लिए भी, रेस्ट तो करनी चाहिए। तो कहाँ कहाँ आपने रेस्ट करी? या हम पूरा रास्ता ऐसा नहीं करते हैं, हम जैसे गाँव रहता है छोटा छोटा गाँव सब कंट्री में, हम सब छोटे छोटे गाँव में रहते हैं और देखते हैं कैसा कल्चर है वहाँ का। वहाँ कभी 3 दिन रहते हैं, फिर ज़्यादा रहने का है तो हम 5-6 दिन भी रह जाते हैं गांव में। तो हम स्लोली आए हैं, इसलिए हमको 2.5 मंथ्स लगा इंडिया आने के लिए। पर हमारा बेस्ट प्लेस जो अभी तक हमको अच्छा लगा था वो पीओके में एक जगह है हुंजा करके, और हुंजा वैली है, और हम वहाँ जो हमारा अकोमोडेशन था वो 10,000 फीट अबव सी लेवल था माउंटेंस में, और वो हमारा सबसे अच्छा सा एरिया हुआ अभी तक, और वहाँ का सब लोग भी बहुत अच्छे थे। कौन सी कंट्री में आपको फ्यूल बिल्कुल सस्ता मिला? ईरान डेफिनेटली। हम 10 सेंट्स मतलब अराउंड 7 रुपीज पर लीटर हमने भरा था वहाँ, और हमारा पूरा टैंक 71 लीटर्स का है, और हमारा $6 में फुल टैंक हो जाता था ईरान में। कभी मन में ऐसे भय नहीं आया, डर नहीं लगा कि मेरी फैमिली मेरे साथ में पूरा रूट जाएंगे, कभी कोई प्रॉब्लम होती है, हेल्थ इशू हो सकता है? यस डेफिनेटली, हमने सोचा तो था, इसलिए हम बहुत ज़्यादा मेडिसिन के साथ हम ट्रेवल कर रहे थे, पर कभी कभी ऐसे भी लग रहा था हमको कि मैं क्वेश्चन कर रहा था कि ये राइट किया मैंने कि नहीं किया, कि जिस बिकॉज आई पहले मैं नहीं गया हूँ ईरान में, पाकिस्तान में मैं पहले भी नहीं गया हूँ, और कंट्री के जाने से पहले हमको एंग्जाइटी आ रहा था कि पता नहीं अभी मैंने राइट डिसीजन लिया है कि रॉन्ग डिसीजन लिया है। फिर मैं वो थोड़ा सा मैं कटर कर लेता हूँ और फिर बोलता हूँ अभी जो होने वाले हैं होने वाले हैं, ये मैं बुरा भी होएगा तो मैं एक्सपीरियंस में आई सी फ्रॉम एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू। कौन सी कंट्री का आपको वीज़ा लेने में प्रॉब्लम आई, जिन्होंने आपको इजीली वीज़ा ना दिया हो, बहुत सारे क्वेश्चन करे हो, पूछताछ करी हो, इंटरव्यू करी हो? ईरान। ओके, ईरान डेफिनेटली। हम ईरान ने हमारा वीज़ा 3 महीने से ऊपर लगाया देने के लिए, और एक्चुअली हमारा वीज़ा एक बार रिजेक्ट भी कर दिया,
फिर वो जो एजेंसी ने जो एजेंसी था हमने जिसके साथ वीज़ा के लिए बुक अप्लाई किया हुआ था, उसने रिक्वेस्ट किया गवर्नमेंट को कि हमको प्लीज़ वीज़ा दो, हम तो सिर्फ टूरिस्ट है और हमको कंट्री देखने के है। फिर वो लोग ने हमको वीज़ा दिया, इसलिए हम पहले लोग थे यूके से जो आए हमारा खुद गाड़ी में ईरान में कोविड के बाद। अदरवाइज़ ईरान अभी इशू नहीं कर रहे हैं वीज़ा इफ़ यू कमिंग विद योर ओन कार, बाई आपका ओन व्हीकल्स के साथ नहीं इशू कर रहे थे। और वो जो हमने कंपनी यूज़ किया वो भी अच्छा सा आदमी था और उसने पर्सनली गया एम्बेसी के पास और रिक्वेस्ट किया कि ये लोग को ये करने दो जी। और ऐसे हुआ हमारा। तो इंडिया अभी आप आए हो, कितने दिन यहाँ पे रहेंगे और कौन कौन सी जगह देखेंगे? हमने इंडिया के लिए अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 months रखा हुआ है। हमको पता है इंडिया बहुत ज़्यादा बड़ा है और हमको जितना देख पाएंगे इंडिया में हम देखेंगे। हमारा अभी तक प्लान जो है हमको जाने का है, इधर से हम जाएंगे धर्मशाला, धर्मशाला से हम जाएंगे मनाली, स्पीति वैली, आई थिंक वहाँ से एक नया सा टनल बना हुआ है तो विंटर में भी आप स्पीति वैली जा सकते हो, तो हम वहाँ जाएंगे। फिर वहाँ से हमको जाने का है दिल्ली और ऋषिकेश, हरिद्वार, और फिर हम वापस आएंगे पंजाब में। हमको फिर हम अभी पंजाब में सिर्फ अमृतसर और जालंधर आए हैं, दोनों सिटी है। सिटी में हमको उतना नई फील और पता चलेगा आपका कल्चर का, इसलिए हमको वापस आने का है दिल्ली से, और सब गांव में जाने का है, वह गांव में रहने का है कल्चर को फील करने के लिए। और उसके बाद हम जाएंगे राजस्थान सफारी करने के लिए, और वहाँ से डेजर्ट सफारी होएगा, टाइगर सफारी। उसके बाद हम जाएंगे गुजरात, गुजरात से महाराष्ट्र मुंबई में, और मुंबई से गोवा, और फिर हम साउथ जाएंगे। आगे का प्लान क्या है? गाड़ी में जाएंगे यूके के कैसे? प्लान क्या है, 10 महीने के बाद हम जाएंगे इधर से नेपाल। अभी हमारा प्लान यूके के लिए जाने के लिए, वापस जाने के लिए दो ऑप्शंस है। एक ऑप्शन है हम चाइना बॉर्डर अभी तक क्लोज्ड है, चाइना बॉर्डर 10 महीने में खुलेगा तो हम चाइना से मंगोलिया जाएंगे, फिर हम ट्राई करेंगे रशिया का वीज़ा लेने के लिए, और रशिया से हम जाएंगे काजाकिस्तान, काजाकिस्तान फिर हम किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान सब करेंगे गाड़ी में ही, और फिर काजाकिस्तान से हम बाई बोट जाएंगे अज़रबैजान, और फिर वहाँ से हम जाएंगे वापस जॉर्जिया, टर्की, यूरोप। वो प्लान नहीं होएगा, मतलब चाइना का बॉर्डर नहीं खुलेगा, तो फिर हमारा दूसरा प्लान है कि हम वापस पाकिस्तान जाएंगे। पाकिस्तान से हमको ईरान तो नहीं जाने का है अभी वापस, तो हम पाकिस्तान से कराची से हम गाड़ी भेज सकते हैं दुबई, और दुबई से हम जा सकते हैं सऊदी, इराक, और सऊदी, इराक और टर्की, और टर्की से फिर हम जा पाएंगे यूरोप में। गाड़ियाँ और भी बहुत हैं, यही वाली गाड़ी क्यों चूज़ करी? एक्चुअली ये मेनली मेरा बीवी का चॉइस था। जीप रैंगलर, उसको हमेशा जीप रैंगलर अच्छा लगता था। किसके लिए? वो केन्या बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, तो केन्या में लोग मेनली 4x4 यूज़ करते हैं, मेनली टोयोटा लैंड क्रूजर और टोयोटा यूज़ करते हैं सब जगह में अफ्रीका में, पर इसको जीप अच्छा लग रहा था, और जीप भी और ज़्यादा मॉडर्न है। अब टोयोटा के साथ आप कंपेयर करेंगे तो टोयोटा में उतना जैसा एडवांस फीचर्स जो रहता है गाड़ी में वो नहीं था, इसलिए हमने जीप चूज़ किया। और जीप के पास भी कैसे बोलते हो, जीप फैमिली है, वो जो टोयोटा में भी शायद होएगा पर उतना बड़ा नहीं है जैसा जीप में है। तो जब भी हम सब कंट्री में गए, हम फेसबुक ग्रुप पे जाते हैं, जीप फेसबुक ग्रुप जो कंट्री का नाम है, मे बी इटली, सो जीप ओनर्स ग्रुप इटली, तो हम
7-8 जीप ओनर्स को मिलते हैं, वो लोग हमको उनका ऑफ रोड दिखाते हैं, जैसे ये लोग किधर किधर जाते हैं, हम उसके साथ जाते हैं। तो जीप का फैमिली बहुत बड़ा है ऐसा, आप जिधर भी जाएंगे तो आपको कोई ना कोई मिल जाता है, आपको जैसे बाहर लेके जाएंगे आपका जीप में, इसलिए हमने फिर जीप यूज़ किया। जीप फैमिली देख के अपने दोस्तों को अगर कोई और भी आना चाहे आपकी तरह, क्योंकि हर कोई बंदा देख के कुछ ना कुछ करता है राइट, कि उसने ऐसे करा है तो मैं भी ऐसे करूँ, अगर उसने अपना नाम बनाया तो मैं भी एक अलग सी छाप छोड़ दूँ राइट। और आप क्या कहोगे किसी को अगर आपको कोई पूछे कि कौन सी गाड़ी में जाना चाहिए, इसी गाड़ी का रिकमेंड करेंगे या कोई और? मैं वापस जीप ही चूज करूंगा, बिकॉज हमारा एक्सपीरियंस जीप में अच्छा हुआ है जी। तो मैं वो ही बता सकता हूँ, अभी मैं और दूसरा गाड़ी का कुछ बताऊंगा और वो लोग स्टक हो जाएंगे, तो वो मेरा एक्सपीरियंस नहीं है इसमें, मेरा जीप में मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और हमने बहुत ऑफ रोड किया, टर्की में हमने बहुत ऑफ रोड किया था, हमने जॉर्जिया में भी किया था, हमने पाकिस्तान में भी बहुत ऑफ रोड किया था। पाकिस्तान में जो रास्ते हैं मेनली कश्मीर में, और वो लोग का रास्ता बहुत रफ है, मेन रोड की बात नहीं कर रहा हूँ, मेन रोड वो लोग का टारमैक है, बहुत अच्छा रोड है, पर जैसे आप ऑफ रोड जाते हैं पाकिस्तान में बहुत अग्रेसिव ऑफ रोड है, और वहाँ सब लोग सिर्फ जीप यूज़ करते हैं और दूसरा गाड़ी यूज़ करते ही नहीं है, सिर्फ जीप। इसलिए मेरे को और ज़्यादा भी कॉन्फिडेंस आ गया जीप में कि ये लोग भी सब लोग वहाँ जीप ही यूज़ कर रहे हैं, इसलिए कुछ मेरे गाड़ी में प्रॉब्लम भी हो जाते हैं, सब लोग को जीप का पता है क्या करने का फिक्स और कैसे करने का फिक्स, इसलिए हमारा आई वुड एडवाइस, मेरा एडवाइस रहेगा कि I would use Jeep again. Jeep Wrangler, best decision. Yeah. What is the message for our younger students? Do it. Yeah. Just do it. Like, if yes, you need to think about it a little bit in advance, no doubt. But I would say just follow your dream. Make it happen. Everybody can make it happen. If I can make it happen, anybody basically. It's not like I am a god or anything. You know, it's not like I have some special powers or anything. It's just I put my mind to it and I said I'm going to make it happen some way or the other, and I made it happen. That's all it is. You anybody can make it happen. Do it. And congratulations, so welcome to India. So bahut bahut swagat ek bar phir. So hamare sath hai wo person jo specially UK se on road special aaye hain ji India mein, unka experience hai jo unhone hamare sath specially share kara hai. To mere sath hai wo person jinki gaadi mein wo specially India pahunche hain, unse karenge baat cheet ki unka kya kehna hai. Ji sir, sat sri akal. Sat sri akal ji. मेरा नाम जतेंद्र सिंह है, मैं सर्विस मैनेजर आए थे, साढ़े को तीन चार दिन पहले SMS आया सी, फोन आया सी इन्हों का कि मेरी कार की सर्विस ड्यू हैगी है, तो मेरी टीम ने इन्हों कॉन्टैक्ट किया, तो असी एक ग्रुप बनाया व्हाट्सएप जिद मैं भी सीगा और मेरी टीम भी सी, इन्हों अपॉइंटमेंट फिक्स की असी सर्विस की, और बेसिकली इन्हों इमीग्रेसन टाइम लग गया जिदे करके दो दिन डिले हो गए, तो फाइनली अज इन्हों उतों की इमीग्रेसन तो फाइनली फ्री होकर अज मेरे को सर्विस कराने लिए आए हैं, तो आप इन्हों सर्विस दे रहे हैं अपनी वधिया जी। देखो हरेक की एक अपनी अलग अचीवमेंट है और अलग पहचान है, पहचान बहुत वड्डी बन चुकी है। गड्डियां दे मामले विच जे गल करिए तो असीं वह भी पुछांगे कि स्पैशली वो जीप दे विच आए ने किदां दा उन्हां दा मंजर सी और तुहाडा जो गलबात हुई तो किवें दा तुहाडा वो फेस इंप्रैशन सीगा जो तुहानू मतलब खुशी लग्या कि साडी गड्डी विच वो स्पैशली इंडिया पहुंचे ने। सब तो पहला तो मेरा मतलब खुद का ये फस्ट एक्सपीरियंस है कि मैं एक अब्रॉड कस्टमर नूं अटेंड कर रहा, और दूसरा मेरे लिए बड़ी वड्डी मान की गल है कि साडे ब्रांड की गड्डी दे विचों इन्ना दूर तो ट्रैवल करके आ रहे हैं, और इस तो वड्डी गल मतलब की हो सकती है कि साडा मतलब इंडिया दे विच भी जी ब्रांड है एक जड़ा उदी गड्डी जिहड़ी आपां यूज़ कर रहे हैं वो कस्टमर दे लई एक्सपीरियंस है, साडे इंडियंस कस्टमर लई भी एक्सपीरियंस है कि एक UK तो चल के जिहड़ी है रेंगलर वो इंडिया दे विच आ रही है और पूरा वर्ल्ड का टूर वो कर रहे हैं, तो मैं परसनली रिकमेंड करांगा कि वाकई एक गड्डी जिहड़ी हैगी ऑफ रोडिंग है, और काफ़ी इन्हों का भी कस्टमर को आप एक्सपीरियंस पूछा जरा जो ड्राइव करके आए हैं, तो इन्हों का परसनली एक्सपीरियंस वो दस चुके हैं थानू किस तरह का है। मैम प्लीज़
मैम जिदा वन वीक तो मेरी इन्हां दे नाल जिदा गल हो रही सी ते साडा एक जिदा परसनली एक ग्रुप जनरेट हुंदा जिन्हां ने मतलब अपॉइंटमेंट लैंदे आ विजिट करदे आ मैनू स्पैशली गुड़गांव तो मैनेजर दा नंबर फोन आया सीगा उन्होंने मैनू इन्हां दा नंबर दिता ते मैं इन्हां नू फॉलोअप च रख्या सी ते फाइनली अज ये साडे कोल आ गए ते आई एम वेरी ग्लैड टू कि यूके तो साडे कोल स्पैशली सर्विस लई आए आ मैं बहुत ही खुश हाँ इसलिए। सो दोस्तों खास यहोजी स्टोरियाँ थोड़े रूबरू लेके आता जी सेंट सोल्जर टाइम्स हमेशा थोड़े नाल खट्टिया मिठिया गल्ला करते हैं और बहुत सारे पल सांझे करते हैं। सेंट सोल्जर टाइम्स में मैं हूँ कोमल कैमरा मैन विनोद के साथ।